स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एक्टिविटी बुक्स एंड योर एक्टिविटी एक्टिविटी बुक टेकआउटी आज हम लोग पेज नंबर ट्वेंटी पढ़ेंगे दिस मने यह और दीज मने यह है लेकिन ये प्लुरल नंबर में दिस मीन्स सिंगुलर नंबर एक और दीज मीन्स एक से ज्यादा है तो ये प्लुरल्स है ओके दिस इज अस्टार एक स्टार है सिंगर स्टार है सिंगुलर मीन एंड प्लूर मीन मोर दे और हम लोग इसे क्या पढ़ रहे स्टार दीज आर स्टार दीज आर स्टार्स ये भी पास है हम लोग के सामने है लेकिन ये एक से ज्यादा है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दीज आर स्टार ओके नाव नेक्स्ट इज दिस इज बैलून दिस इज बेलून यह एक बैलून है तो इसमें लिख रहे दिस इज बैलून एंड दीज आर बेलून्स बी ए डबल एल डबल एस एस लगा लिया हम लोग दीज आर बेलून्स यहाँ पे एक से ज्यादा बैलून्स है तो हम लोग लिखेंगे दीज आर बेलून्स नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अ बुक यह एक बुक है दिस इज अ बुक दीज आर बुक्स दिज आर बोक्स ओके okay? इस तरह हम लोग फिल करेंगे एक पतंग है तो लोग लिख रहे इसमें. This is a kite और ये पास है लेकिन बहुत सारा है तो इसमें क्या लिखेंगे दीज आर ओके इस तरह करके आप लोग पेज नंबर ट्वेंटी फिल कीजिएगा मैं एक एग्जाम्पल दिखा दे रही हूँ आप लोग को आप लोग इस तरह समझिए और फिर बुक्स में फिर कीजिएगा जैसे मेरे पास एक इरेजर है तो हम बोलेंगे ये पास है और हम इसे क्या बोलेंगे दिस इज अ इरेजर ये एक इरेजर है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे दिस इज अ इरेजर और एक से ज्यादा मैम रखी है अपने पास तो क्या बोलेंगे दीज आर इरेजर्स दीज आर इरेजर्स एक से ज्यादा हो गया ये भी पास है लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे These are eraser. एक है तो इसे बोलेंगे this, this is eraser. These are erasers. Okay, students, इस तरह आप लोग बुक्स में फिल कीजिएगा सिंगुलर नंबर में है लेकिन ये दूर होने के कारण इसे हम लोग दैट पढ़ते हैं दैट बोलते हैं और ये भी दूर होने के कारण

डॉग्स डी ओ जी एस डॉग दैट इज अर्स यह हॉर्स है इसमें हम लोग क्या फील करेंगे ओके नेक्स्ट इज दैट इज अ काट इज अ काउ और यहाँ पे बहुत सारे कावस है तो क्या लिखेंगे दूस आर काव दूस आर Cals, C -O okay, students, इस तरह करके आप लोग बुक्स में फिल कीजिएगा जैसे अभी मैं एग्जाम्पल बताई दिस और दीज का, इस तरह दैट का इस तरह होगा, दैट. ये दूर है हम लोग से तो हम लोग पढ़ेंगे इसे दैट इज अरेजर दैट इज अरेजर और ये भी इरेजर है लेकिन ये भी हम लोग से दूर है तो क्या लिखेंगे इसमें दो जार इरेजर एक से ज्यादा हो गया ये सिंगुलर है तो इसमें बोलेंगे दैट इज अरेजर और ये एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे दो आर इरेजर्स हम लोग क्या बोलेंगे दो आर इरेजर्स वह इरेजर है ओके स्टूडेंट्स नाउ टेक आउट योर पेज नंबर ट्वेंटी टू पेज नंबर ट्वेंटी टू कलर्स नेम कलर्स कॉपी द नेम ऑफ ईच कलर कॉपी द नेम ऑफ ईच कलर हर कलर का कॉपी करना है हम लोग कॉपी में पढ़ चुके हैं आज हम लोग बुक्स में फिर रिविजन वर्क करेंगे वाइट व्हाइट का कॉपी करना व्हाइट मीन्स सफेद डब्ल्यू एच आई टी व्हाइट नेक्स्ट इज ब्लैक बी एल ए सी के ब्लैक ब्लैक मीन्स काला आर डी रेड रेड मीन्स लाल आप लोग कॉपी कीजिएगा नीचे ब्लैंक्स में लिखिएगा नेक्स्ट इज येलो वाई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो येलो मीन्स पीला ब्लू बी एल यू ई ब्लू ब्लू मीन्स नीला नेक्स्ट इज ग्रीन जी आर डब्लू एन ग्रीन ग्रीन मींस हरा नेक्स्ट इज पिंक पी आई एन के पिंक पिंक मीन्स गुलाबी ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज ऑरेंज मीन्स नारंगी नेक्स्ट इज ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन ब्राउन मीन्स भूरा नेक्स्ट इज पर्पल पी यू आर पी एल ई पर्पल पर्पल मीन्स बैगनी इस तरह आप लोग कॉपी करिएगा और पेज ट्वेंटी टू फिल कीजिएगा एंड योर होमवर्क इज इंग्लिश एक्टिविटी बुक डू पेज नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इन बुक आप लोग बुक्स में फिल कीजिएगा पेज नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ओके स्टूडेंट्स